मध्य प्रदेश के इंदौर में कॉपीराइट का मामला सामने आया, जिसमें नामी कंपनी के एक रिक्शा भरकर नकली जूते बरामद किए। कंपनी संचालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर माल को जब्त किया है। तो वहीं आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां सुमित शर्मा और उसके साथियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर नकली जूते बनाकर बेचे जा रहे हैं। तो वहीं इसी के तहत उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा, जिसमें नामी कंपनी के जूते भरे हुए थे, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। तो इस पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि थाने पर आवेदन आया था कि जिसके तहत मामला दर्ज किया है और नकली माल जब्त किया है। तो वहीं साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आज सदर बाजार थाने में एक कॉपीराइट उल्लंघन का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आज जो आवेदक गण है उनका नाम सुमित शर्मा, राज ठाकुर और निखिल पटेल है। ये इनकी इंस्टीट्यूट द्वारा एक लेखी आवेदन पत्र दिया गया था कि इनका जो माल है वो नकली ब्रांड करके और जो है वो कुछ लोग तैयार कर रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी सदर बाजार और उनकी टीम के द्वारा जो संबंधित स्थान है उस स्थान में जा कर के तलाश करेगी, जहाँ पर उनको एक लोडिंग ऑटो मिला, जिसके अंदर उनको सफ़ेद और ऑरेंज रंग के कट्टों में 72 नग अंडर आर्मर कंपनी के नकली लोगो लगे हुए जूते, 72 नग प्यूमा कंपनी के नकली लोगो लगे जूते और 96 पैरागोन कंपनी के नकली लोगो लगे हुए चप्पल मिले, जिसके संबंध में वाहन चालक सुरेंद्र पिता जियालाल प्रजापत द्वारा इस संबंध में उक्त सामान का बिल भी पेश किया, और जिसको उन्होंने बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात इस कंपनी के ओनर्स जो हैं उनसे सर्टिफिकेशन भी लिया गया, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि ये जो माल है ये नकली माल है और कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। तो इस पर धारा 51 और 63 कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत की धारा 102 और 103 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से ये माल जो है वो जब्त किया गया और संबंधित जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये इस तरह से माल नकली माल बनाते हैं और जो सर्टिफाइड कंपनीज है इनका नकली मोनो बना करके और जो हाई कॉस्ट में बेचना है, ये इस तरह की आम पद्धति है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस पैमाने पर ये लोग माल को ठिकाने लगाने वाले थे और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, जो इसके जो बनाने वाले निर्माता हम उनको भी आरोपी बनाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।